चलिए एक और नए निपसेट 22 के टॉपर से मिलते हैं जिनका ऑल इंडिया रैंक 91 है। नाम है मीर जो पानीपत से हैं। तो मीर सबसे पहले ऑल इंडिया रैंक 91 के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, बहुत बहुत पूरे फिटनेस फैमिली को मेरी तरफ से। चलो बहुत ही खुशी की बात है मीर, आप पानीपत से हैं। पानीपत से एक पहले मेरा स्टूडेंट था लक्ष्य, जो कि जिसने 93 चीज एमसीए किया, आज इतनी अच्छी जॉब कर रहा है और कहीं ना कहीं आपको हो सकता है उनका सपोर्ट भी मिला हो। तो मीर आपने जो ये रैंक अचीव किए 91, ये ग्रेजुएशन के साथ अचीव किए, बहुत ही खुशी की बात है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी इंटायर सक्सेस जर्नी बताओ कि कब आपने सोचा, फिर किस ढंग से प्रिपरेशन की और आपकी सक्सेस की क्या थी। सर शुरू में तो जैसे 12th के बाद मेरा एक ड्रॉप हुआ था, IIT के लिए मैंने दिया था, लेकिन उसमें क्लियर नहीं हो पाया था क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी करता था। उस टाइम मुझे पता लगा कि सर कोचिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है हर चीज, कोई भी एग्जाम के लिए। तो सर जैसे जैसे बच्चों ने कहा BCA कर रहे हो, BCA में आगे स्कोप है कंप्यूटर का, तो BCA की सेकेंड ईयर में आता था, लॉकडाउन हो गया तो घर बैठे समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो मेरे एक फरीदाबाद में मास्टर लगते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि MCA जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो करनी चाहिए तुम्हें। तो सर फिर मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत आपकी यूट्यूब चैनल पे सर्च किया या फिर कॉन्टेक्ट डाले, तो सर हमें पता लगा कि जो हमारा कॉलेज है ना, कॉलेज में एक लक्ष्य भी है मेरे, तो उन्होंने NIT से ट्रिची से MCA की थी, 2019 में उन्होंने निकाला था ये NIMCET एग्जाम, तो उनकी रैंक आई थी 36। तो सर मैंने कॉन्टैक्ट निकाला, उनका टीचर से बहुत हेल्प मिली कि हाँ ये पर्सन है, इनसे जाके मिलो। तो सर वहाँ पे गए, उनसे मिला, उन्होंने बहुत चीज़ें बताई ऐसी कि MCA में ये होता है, इतने सारी कंपनीज आती हैं, इतने का पैकेज लगता है और MCA बहुत इंपॉर्टेंट है, BCA के बाद इतनी स्कोप नहीं मिलता। तो सर उनकी बातों से बहुत मोटिवेट हुआ मैं। अब उनको बात होने के बाद उनसे मैंने आपका नंबर लिया क्योंकि उन्होंने कहा था यहाँ से कोचिंग लेते हैं। तो सर आपसे कोचिंग ली, आपसे बहुत अच्छा पढ़ाई की, मतलब मैंने सितंबर में ली थी कोचिंग, लास्ट स्टार्ट की थी और जुलाई में बैच स्टार्ट हो चुका था। सितंबर से सीधा मैंने टेस्ट सीरीज के बाद फिर एग्जाम दिया 20 जून को, और सर आप सभी की मदद से बहुत अच्छा रैंक आया 91 और अच्छे मार्क्स आए सभी के साथ। मेरा सर को मैंने वो लक्ष्य भैया को भी मैंने बहुत थैंक यू किया, आप सभी को भी मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इसके। तो देखो बेटा मीर, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आपने जब MCA के लिए, जैसे आपने IIT के समय प्रॉपरली पढ़ाई नहीं की, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, इसलिए आपका नहीं हो पाया, पर आपको ये बात समझ में आ गई थी, इसलिए आपने NIMCET का जब सोचा तो आपने सबसे अच्छा ये काम किया कि एक तो आपने बिल्कुल एक राइट पर्सन से बात की। लक्ष्य ने कई लोगों को मोटिवेट किया, वो खुद भी इतनी अच्छी रैंक अचीव की उन्होंने, और आपने भी उनसे बात की। अच्छा दूसरा ये बताओ कि आपका रूटीन कैसे होता था, क्या रहता था आपको रूटीन कॉलेज के साथ, क्योंकि आप कॉलेज भी ओपन हो गए थे, तो कॉलेज के साथ आपका पढ़ाई का क्या रूटीन रहता था। सर जब मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी तब मेरा कॉलेज ओपन नहीं था, कॉलेज जैन में ओपन हुआ था, स्टार्ट जैन में भी नहीं, दिसंबर में हुआ था। और दिसंबर में ऐसे स्टार्टिंग में तो मैं 10 days गया नहीं था कॉलेज, तो फिर टीचर पूछने लगे कि बच्चा आता क्यों नहीं है, तो मैं गया, जाके मैंने लेटर दी कि भाई मैं कोचिंग की तैयारी NIMCET की तैयारी कर रहा हूँ। और सर पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं अटेंडेंस सही होती है तो आप आया करो। तो सर मैंने फिर एक हमारे आदिति मैम है कॉलेज में, बहुत अच्छे मैम है, तो उनसे बात की, वो कहते हैं आप एक काम करो हफ्ते में सैटरडे संडे सैटरडे फ्राइडे आ जाओ और अपना काम कुम दिखा के सारे कर लेना कंप्लीट, और बाकी दिन आप ऑफ कर सकते हो लेकिन आपको रेगुलरली अपना काम कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है मैम मैं आ जाऊंगा 2 दिन। तो ऐसे मैंने कंप्लीट, लेकिन पेपर भी आ गए थे बीच में, और जैसे मेरा 20 जून को एग्जाम है ना, तो 20 जून को ही मेरे कॉलेज का भी एक एग्जाम था ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो सर फिर मेरे को मैडम से कह के सब कुछ वो चेंज कराना पड़ा शेड्यूल वगैरह, तो उसमें भी 2-3 दिन वेस्ट हो गए थे, तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही थी इधर साइड। तो सर थोड़े दिन पहले मैंने 16 से मेरे एग्जाम थे, तो 10 से 10 तक मैंने कॉलेज का पढ़ाई की, 10 के बाद 15 तक मैंने NIMCET का पढ़ा, 15 की रात को मैंने जो 16 को एग्जाम था उसका पढ़ा, फिर 16 को पेपर दे के आया, अगले दिन आते ही 20-18 तक ये जितने मॉक टेस्ट हो चुके, आपने कहा था ना लास्ट के जितने भी मॉक टेस्ट हैं उनको सोल्व किया, हो गए थे 68 मॉक हो गए थे ना, 68 से स्टार्ट किए पीछे तक 54 तक पहुंच गया था मैं, तो इतने मैंने कंप्लीट कर लिया, और विद द हेल्प ऑफ गॉड सारा उसी में से आया पेपर सर बिल्कुल 8 हो जाए। तो मैथ में मेरे इतने 465 मार्क्स आए उसी वजह से,
ऐसे मेरा अभी मेरे में 69 रीजनिंग में कितने मार्क्स थे बेटा आपके? रीजनिंग में सर 162 है, रीजनिंग में कमाए। तो मीर ये बात आपने बहुत अच्छी बताई, कई बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि सर हमारे कॉलेज के एग्जाम है हम कैसे करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि कॉलेज के एग्जाम और निमसेट के एग्जाम तो हर साल लगभग साथ में आते हैं, आप मैनेजमेंट कितना तगड़ा करते हैं वो बात है। अभी आपने एक बात बोली कि आपके पेपर के साथ दिया, मतलब आपके पेपर कितनी तारीख को खत्म हुए? अभी सर 6 जुलाई को लास्ट है ना, और उस 20 जून के पहले भी आपके पेपर चल रहे होंगे? जी सर 16 जून से पहला था। वेरी गुड। तो देखिए आप सब जो लोग सुन रहे हैं ध्यान से सुनिए कि 16 जून को पहले पेपर था, 6 जुलाई को आखिरी था, यानी जिस दिन रिजल्ट आया वो लास्ट पेपर था। 16 जून को आपने पहला पेपर दिया, उसके बीच में भी आपने मीर एक अच्छी बात करी, नहीं तो कई बच्चे ऐसे में हिम्मत छोड़ देते हैं, चलो अब तो एग्जाम है हम नहीं कर पाएंगे तो निमसेट अगले साल ड्रॉप लेके देंगे। सोच आप भी सकते थे ऐसा, पर आपने ऐसा नहीं सोचा और आपने पूरे पेपर ना देके, मैंने हर बच्चे को बोला था कम दो पर दे तो दो, आपने 68 से 54 मतलब 14 पेपर भी किए, और क्योंकि साल भर पढ़ाई की थी उन सबके एनालिसिस से देखो आपकी आज 91 रैंक है। अगर एक बार भी ये थॉट आ जाता कि मैं 16 जून से पेपर है 20 को पेपर ही नहीं दे पाऊंगा या अच्छे से तैयारी नहीं, आप सोचिए आपका ड्रॉप लेना पक्का था। गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं सर बिल्कुल पक्का है सर। तो एक ये थॉट, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ सक्सेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे थॉट। तो बेटा आप सब जो लिसनर जो भी सुन रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसने 16 जून से 6 जुलाई के बीच के पेपर में 20 जून को निमसेट का पेपर भी दिया और ऑल इंडिया रैंक 91 लेके भी आया, और बस ये करा कि सारे पेपर्स दिए और उनके एनालिसिस कर लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबको सीखने वाली बात है। तो मीर आप एक बार बताओ कि अपने ये जो लिसनर है जो सुन रहे होंगे उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली ग्रेजुएट, क्योंकि आपने तो वो कर दिखाया जो नॉर्मली जिससे लोग डरते हैं या कहीं ना कहीं स्ट्रेस में आ जाते हैं, पर आपने उसके बाद भी ये कारनामा कर दिखाया। सर पहले तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं ना सभी NITs जो जा चुके हैं मेरे सीनियर उनके टच में रहता था, कॉलेज के बच्चों जो से ना इतनी बात नहीं करते क्योंकि वो सारे घूमने जाते थे, मेरे को बुलाते थे, मैं जाता नहीं था। पर मैं इनके टच में रहता, जैसे बादल हो गए, एक सुनील कुमार हो गए, एक लक्ष्य जी हो गए, इन सबसे मैं ना वीकली बात करता रहता था। तो ये ना बस ये कहते थे कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो क्विट कर देते हैं, तो क्विट नहीं करना है, अपने आप को बिल्कुल ऐसे मोटिवेटेड रखना है कि कभी ये नहीं सोचना कोई हमसे बेटर है या हमसे वर्स्ट है, तुमने जैसे जिस टाइम पे स्टार्ट किया है उसी टाइम से तुम बेटर हो, बाकी जो बच्चा 2 साल से कर रहा है वो आपसे बेटर होगा ही क्योंकि उसके पास टाइम था, लेकिन जिस टाइम तुमने स्टार्ट किया वो तुम उस चीज में बेटर रहना बस। और उसी चीज को मैं देखता गया, उनसे मैंने 10 दिन पहले भी बात की, उन्होंने बस यही कहा कि आप अपना करते रहिए और मोटिवेटेड रहिए, कभी क्विट नहीं करना लास्ट मोमेंट तक, यही मैंने बात की बस। ये जो बात बोली ना क्विट नहीं करना, मैं बोलता हूँ मेरे बोर्ड पे आपने देखा होगा नेवर क्विट लिखा रहता है, हमें क्विट नहीं करना है और इस बात को फॉलो किया। देखो आज आपकी रैंक है, कॉलेज के एग्जाम के बीच में एग्जाम दिया, और ऐसे में कई बार बच्चा सोचता है चलो जो भी रैंक आए अच्छी है, आपकी रैंक 91 आई है, यानी आपको टॉप कॉलेज ही मिलने वाला है। और ये जो आपने इस बीच में निकाली ना, ये कॉन्फिडेंस अब आप जीवन में कभी भी कुछ कर सकते हैं। शायद आपके पापा आए? यस सर मेरे पापा। नमस्कार सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके बच्चे ने तो पेपर के बीच में जो ये रैंक लेके आई है बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है ये उसका। तो बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। आपको भी। तो आप क्या बोलना चाहेंगे सर मीर को लेके, या कुछ भी आपके मन में जो भी बात हो, क्योंकि इसने बहुत अच्छा पेपर के बीच में इतनी अच्छी रैंक लेके आई है, बहुत खुशी की बात है। सर जी हमारा तो ये सपना है ये। जी जी हम पढ़े लिखे है नहीं, हम लोग पता है नहीं है कुछ भी, हमने जिसके ऊपर बड़ी उम्मीदें लगा रखी है, ये आपकी उम्मीदों को पूरा करने वाला है पूरी तरह से, मैं बता दूं। और इसने पेपर के बीच में रैंक अचीव किया, आप देखिएगा आगे इसको कभी भी कोई परेशानी आएगी हैंडल कर लेगा। बड़ी बड़ी मेहरबानी, आप आशीर्वाद दें आप भी। नहीं मेरा आशीर्वाद है ही आपका, मेरा सबका आशीर्वाद है, और ये बच्चा बहुत मतलब जो आप सोच रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा आगे निकल के जाने वाला है। चलो ठीक है भाई, अच्छी भगवान की मेहर है। जी जी आपको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी जनाब, आपको भी थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मीर आपके पापा से बात करके।
और आपके पापा का मतलब बहुत कम बोला उन्होंने, पर बिल्कुल दिखता उनकी अंतर आत्मा से, मतलब कि वो बहुत आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। और आप इस बात को ध्यान रखिए कि उन्होंने आपको वो सब दिया है जो शायद उनको जीवन में कभी ना मिला हो। जी सर, बहुत सही मैम। सर पापा ना जैसे काम छोटा करते हैं, पर मुझे हर बार यही सिखाते हैं कि आगे बढ़ते रहना और बढ़ते रहना बस। वैसे मीर मैं एक बात बोलूं, आपके पापा क्या काम करते हैं नहीं पता, पर कोई काम छोटा नहीं होता कभी भी, कोई भी काम छोटा नहीं होता, काम काम होता है और हर काम अपनी जगह बहुत वैल्यू रखता है, बहुत वैल्यू रखता है। इसलिए मैं हमेशा हर एक चीज की काम की वैल्यू समझता हूँ। देखिए ये तो हम इंडिया में रहते हैं इसलिए कई बार ऊपर नीचे कर देते हैं, आप बाहर जाओगे ना तो बाहर जब आप जाओगे तो आप देखना एक प्यून होगा, एक ऑफिस बॉय होगा या मैनेजर होगा, सबको एक लेवल पे रिस्पेक्ट मिलती है, पोजीशन मिलती है। थोड़ा इंडिया में ये ग्रेडिंग बनाया गया जो सही नहीं है, नहीं तो हर एक का अपना काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑफिस में हम किसी जाए या कहीं भी जगह पे तो एक नीचे से लेके ऊपर तक सबकी एक चेन होती है और सब अपनी जगह इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो भी है, पर आपके पापा ने उन सबकी परिस्थितियों के बाद भी आपको बहुत अच्छी एजुकेशन दी और आज भी आप देखिए इतने अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं, वो बहुत खुश हैं। तो आप उनके सपने को पूरा करें और ऐसे ही आगे बढ़े। अच्छा मिहिर, मैंने सुना है कि आपने, क्योंकि कंडीशन आपकी इतनी अच्छी नहीं थी तो आप ट्यूशन भी पढ़ाते थे और ट्यूशन पढ़ा के फी भी, उसके बारे में बताओ। कई लोग जो होते हैं परिस्थितियों की वजह से रुक जाते हैं या हिम्मत हार जाते हैं, तो आपने क्योंकि काफी अलग कंडीशन में पढ़ाई की, तो आप अपना ये एक्सपीरियंस भी मैं चाहूंगा शेयर करें। सर मैं ना वैसे तो जब सितंबर से पहले से ही ट्यूशन पढ़ाता था, लेकिन जब सितंबर के बाद कोर्स ज्वाइन किया तो मैं ट्यूशन के लिए टाइम निकालना कम कर दिया। जैसे मैं पहले 4 घंटे पढ़ता था तो 2 घंटे मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। 8th और 10th के बच्चे आते थे मेरे पास और 6-7 बच्चे आते थे, तो मेरा जैसे महीने की फी वगैरह थी वो निकल जाती थी और मैं वही महीने की फी आपको इंस्टॉलमेंट में भेज देता था। तो मैंने ट्यूशन भी साथ साथ पढ़ाई की थी, इस वजह से मैं थोड़ा मैनेज कर रहा था ज्यादा। ये बहुत ही खुशी की बात है। कई लोग को मैं यही बोलता हूँ कि अगर परिस्थिति अच्छी नहीं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कई लोग जॉब इधर उधर करना चाहते हैं, वो तो जॉब से अच्छा ट्यूशन है और आपको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलता है। अच्छी बात है कि आपने 6-8 बच्चों को पढ़ाया, अपने कॉलेज और इम्पिटस की भी फी पे की, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तो मैं एक छोटा सा आपसे पूछना चाहूंगा कि जिन बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती या जो इकोनॉमिकली वीक होते, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? क्योंकि आपने उस परिस्थितियों को फेस किया है, उन कंडीशंस को, और उसके साथ आपने पढ़ाई भी की, उनके लिए क्या मैसेज होगा? सर जैसे मैंने भी फेस किया, मुझे लगता है कि हर एक बच्चे को ना पढ़ने का तो राइट होना ही चाहिए, क्योंकि इसी से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन या फिर एजुकेशनल कंडीशन चेंज हो सकती है आगे की। तो मैं भी यही चाहूंगा कि अगर कोई बच्चा मेरे पास भी ऐसे आता है कि फाइनेंशियली वो वीक है, तो मैं उसको यही कहूंगा कि अभी तू मेरे पास पढ़ ले, चाहे अभी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को अपना ज्ञान देना है, बाद में मेरे अलावा तेरे को भी बड़े सारे बच्चों को ऐसे पढ़ाना पड़ेगा, उनको भी ऐसे ही फाइनेंशियली उनकी प्रॉब्लम को भी ठीक करना पड़ेगा, आगे और मदद करो औरों को। बिल्कुल मीर, बहुत अच्छी बात आपने बोली कि जिनकी परिस्थिति, जैसे मेरी भी कभी कंडीशन ठीक नहीं थी, आपकी भी नहीं थी, अगर हमारी अच्छी कंडीशन नहीं है और हमारा फाइनेंशियली हम स्ट्रांग नहीं है, तो एक एजुकेशन ही ऐसी जिसके थ्रू हम आगे अच्छा कर सकते हैं। जैसे आज आपने थोड़े से बच्चों को पढ़ाया, अर्न किया, अब आप NIT जा रहे हो, वहां जाके फिर आप अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में चले जाओगे, पर सोचो अगर आज आप कंप्रोमाइज कर लेते किसी शॉप में या कोई ऐसे वैसे काम करने लगते, तो आज आपकी परिस्थिति अच्छी नहीं होती, दिन पे दिन आगे जाके और बिगड़ती जाती। तो मैं हर उन बच्चों को बोलना चाहूंगा जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, अगर आपने अभी भी एक्शन नहीं लिया सही, तो आगे जाके ये बुरी ही होंगी, अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए आप हमेशा हर बच्चा एक कोशिश करे और एजुकेशन सबसे अच्छा रास्ता है जिसके थ्रू हम आगे अच्छे से बढ़ सकते हैं। यस सर, बिल्कुल। तो चलो ये बहुत ही अच्छी बात है। और कुछ? और सर मैं बस ये कहना चाहूंगा कि मेरे सारे कॉलेज के फ्रेंड्स, एक मेरी फ्रेंड थी मानसी जिनने बहुत हेल्प की मेरी, हर संडे जब पेपर देने जाता था ना, एक दिन पहले उसको बोल के जाता था मेरा आज पेपर है और मॉक टेस्ट है और मेरे को आशीर्वाद दे, मैं अच्छा मार्क्स लेके आऊँ। और उसको भी मैं बताना चाहूंगा, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है कॉलेज के, अमित, आशीष, मानसी, सुप्रीत, सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, सबको। बहुत ही अच्छी बात है बेटा, आपको अच्छे फ्रेंड्स भी मिले, आपको कॉलेज में भी टीचर्स का अच्छा सपोर्ट मिला और उन सबके सपोर्ट और आपकी मेहनत से आपको ये रैंक अचीव हुई। वंस अगेन कांग्रेचुलेशन। और सर एक और एक लास्ट, सर मेरी मॉम का भी बहुत हेल्प है, मेरी मॉम बहुत मोटिवेट करती थी मेरे को हर चीज में, हर एक मोमेंट पे। मैं जब भी मम्मी पास जाता था ना कि मम्मी मेरे को ये दिक्कत है, तो मम्मी कहती थी तू टेंशन ना ले, सब हो जाएगा मैनेज, और बस तू माता रानी का नाम लेता रहे। मैं मंदिर जाता था शाम को रोज, और मॉम ने सच में बहुत हेल्प की।
देखिए मदर की ब्लेसिंग तो हमेशा होती है, मदर फादर वो दो लोग ऐसे हैं जो हर परिस्थिति में अपने बच्चों का साथ हमेशा देते हैं, तो आपकी मदर का सपोर्ट, आपके फादर का सपोर्ट, आपकी खुद की मेहनत से ही ये सब रैंक, आपके अच्छे दोस्तों का सर्कल, यानी जब हम अच्छा सोचते हैं अच्छा करते हैं तो देखो हमारे आसपास भी सराउंडिंग सब अच्छा होता है और यही सब की वजह से हम एक अच्छा जीवन जी पाते हैं, तो आपको ये सब का सपोर्ट मिला। चलो एक बार मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू बेटा।